चैनल एजुकेशन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं माइसेल्फ विपिन सिंह। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ भी पढ़ने नहीं वाले, बस हमें ये जानने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या इस साल 2020 और 2021 का जो सेशन चल रहा है, क्या इस पर्टिकुलर ईयर में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे या नहीं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो उसी से रिलेटेड है। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सीबीएसई से रिलेटेड चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस ईयर एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, क्या सिलेबस और रिड्यूस होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आज जानेंगे। तो आइए इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक। अब देखिए, पहला जो चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो ये है कि 2020 और 2021 में एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे, अभी इसका कोई भी क्लियरेंस, क्या कहते हैं, सर्कुलेशन सीबीएसई ने जारी नहीं किया है। सीबीएसई ने अभी कोई भी क्लियर सर्कुलेशन जारी नहीं किया है कि 2020 और 2021 में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा, जिस तरीके से कंडीशन अभी बने हुए हैं, लगातार हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड कर रहा है, उससे हमारा जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल है। तो इस बात को क्लियर करना अभी पॉसिबल नहीं है कि इसी ईयर एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से इस चीज पर लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी स्कूल्स ओपन हो और ये सारे के सारे जो सिचुएशन है ये खत्म हो सके। तो अभी ये क्लियर नहीं है, जैसे भी क्लियर होगा आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हम आपको मतलब तुरंत लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताएंगे कि एग्जामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। वैसे पूरी पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनेशन हो, ठीक है, कोई भी, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि ये जीरो सेशन हो जाए, तो कोशिश पूरी यही है कि जल्दी से स्कूल ओपन हो और बच्चों के पढ़ाई पर फोकस किया जाए और उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराया जा सके ताकि वो एग्जामिनेशन में बैठ सके और एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सके, ठीक। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 जैसा आप सब जाने कि एक पेंडेमिक था जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिजास्टर मचा कर दिया, तो जिसके कारण हमारे सीबीएसई ने 30% क्या किया, 30% ऑफ द ईयर, क्या कहते हैं, वो सिलेबस हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कम कर दिए गए, ये आप सबको पता है। लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ता, अगर लॉकडाउन अभी से आगे ऐसे एक्सटेंड करता रहा तो सिलेबस एनसीईआरटी के आपके और भी ज्यादा रिड्यूस होंगे। 9 टू 12 के जो सिलेबस 30% आपके रिड्यूस किए गए हैं आपके बोर्ड द्वारा, अगर यूं ही लॉकडाउन बढ़ता रहा तो सिलेबस आपके और भी ज्यादा रिड्यूस होंगे, ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा। अभी 30% ही रिड्यूस हुआ है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक कट हुए हैं, तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होल चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, मतलब कि 30% जो आपका रिड्यूस हुआ है, अगर यूं ही लॉकडाउन बना रहा तो आपके सिलेबस और भी ज्यादा रिड्यूस होंगे, ओके। अब इसके बाद देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं, फैक्ट है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, कई बच्चों ने उससे क्वेश्चन में पूछा भी, कमेंट्स भी किए हमारे, क्या कहते हैं, यूट्यूब के चैनल्स पे, कई वीडियोस पे, और उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया, कई बच्चों ने कॉल्स करके भी पूछा कि सर क्या कहते हैं इस बार पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो देखिए, लास्ट ईयर जो पेपर का पैटर्न था, इस बार पेपर का पैटर्न ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार के पेपर के पैटर्न में पूरी तरीके से मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव है, एक नया पेपर आने वाला है जिसके बारे में हमें अभी हमें कुछ पता ही नहीं कि कैसा क्या होगा, ठीक। लेकिन इतना बता रहा है कि जो 80 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, क्लास 10th एंड 12th, 80 मार्क्स का जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें 40 मार्क्स आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, आपके 40 मार्क्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब 40 मार्क्स आपका एमसीक्यू होगा और 40 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब लेकिन यहां पे आपको एक चीज हम बता दें, डिस्क्रिप्टिव से तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट, लॉन्ग या वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें डिफाइन करना होगा, जिन्हें हमें लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें टिक करना होगा, लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इसमें आपसे फैक्ट नहीं पूछेगा, इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए इस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था या उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ था, ठीक है, या आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं श्रीलंकन सिविल वार कब हुआ था, ये आपसे पर्टिकुलर डेट नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज की डिफिनेशन पूछ सकता है आपसे, पूछ के चलिए बताइए क्या कहते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, और नीचे चार चीज आपको दे दी, तो उसमें सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर चीज पर टिक करना होगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जैक्ट डिफिनेशन होगी।
तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल बेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें आपसे फैक्ट नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछेंगे बताइए चोरी चोरा कांड किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, या हिंदू किसान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू जी ने कब किया था, ये फैक्ट नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे क्या कहते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताइए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कॉल्ड ऑफ क्यों हुआ था, किस रीजन से उसे कॉल्ड ऑफ किया गया था, तो वो पर्टिकुलर जो नीचे चार पॉइंट्स होंगे उन चार पॉइंट्स में वो रीजन दिया गया होगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप फैक्ट भी पढ़ें लेकिन फैक्ट के ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट फोकस करना होगा, हमको हर डिफिनेशन को हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलना होगा ताकि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम कवर कर सकें, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हाफ मार्क्स इस बार इससे आने हैं और हाफ मार्क्स आपके थ्योरी बेस्ड से आने हैं, थ्योरी बेस्ड को हम कवर कर लेते हैं लेकिन इस बार इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपको अच्छे से हर टॉपिक को कवर करके चलना होगा, जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा क्या कहते हैं रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से कवर करना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो में मैंने आपको काफी जानकारी दी है, प्लीज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा हमारे चैनल पे, आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा।